नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया खबर लाइव में। मैं हूं अनूप पांडे। चाचौड़ा विधायक वरिष्ठ कांग्रेस नेता लक्ष्मण सिंह भाजपा सरकार पर बरसे। जिले में सक्रिय भू माफियाओं के खिलाफ चाचौड़ा विधायक का हल्ला बोल। जिले में हो रही गंभीर घटनाओं का मुद्दा विधानसभा में उठाने की कही बात। पूर्व राजगढ़ सांसद लक्ष्मण सिंह से इंडिया खबर लाइव संवाददाता ने की विशेष बातचीत। प्रस्तुत है गुना जिला ब्यूरो चीफ राहुल चौरसिया की एक रिपोर्ट। ये सर, खनिज माफियाओं के खिलाफ जो कार्रवाई चल रही है और इसके बाद में जो अवैध जो धंधे कर रहे हैं, जैसे कुमराज में भी कुछ भवन तोड़े गए हैं, गुना में भी तोड़े गए हैं, तो आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? ये राजनीति षड्यंत्र है या जो कांग्रेस का कोई आदमी है और जिसके पास पट्टा है उसका तोड़ दिया? कुमराज में तो रामदास जी हमारे साथी हैं, उनका पट्टा है, जमीन उनकी है, उसका तोड़ दिया। और मैं एक नहीं हजारों उदाहरण आप भी दे सकते हो, मैं भी दे सकता हूँ, जहाँ सरकारी जमीनों पे क्या क्या नहीं बन गए हैं, वो नहीं टूट रहे हैं। कानून सबके लिए बराबर होता है छोटे साहब। एक और ये ना समझें ये लोग कि हमेशा इनका शासन रहने वाला है। एक हैप्पी न्यू ईयर और होना है, दूसरा हैप्पी न्यू ईयर में साफ हो जाएंगे। बढ़ते अपराध, मध्य प्रदेश सरकार, जहाँ तक मेरी जानकारी में मध्य प्रदेश में दलित शोषित वर्ग को सही तरीके से संरक्षण नहीं दे पा रही है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश में जो गुना जिले में बमोरी विधानसभा आती है, वहाँ निरंतर काफ़ी हादसे हो जाते हैं, लेकिन सुर्खियों में वो तभी आते हैं जब पत्रकार उस मुद्दे को उठाते हैं। आपकी क्या प्रक्रिया रहेगी बमोरी विधानसभा को लेकर? देखिए, जो घटनाएँ हो रही हैं वो तो दुर्भाग्यपूर्ण है ही, होना नहीं चाहिए। उससे भी ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्या है, इस घटना को दबाने की कोशिश होती है। अगर मीडिया इस बात को ना संज्ञान में लाए और हम लोग ना इसमें जाकर कोई पहल करें, ये बात उठेगी नहीं, दब जाएगी। अब थानेदार को हटाने से तो ये नहीं है, ऐसा नहीं कि आपने समस्या का हल कर दिया। आपको प्रशासन के जो मुखिया हैं उनको हटाना चाहिए, मंत्री है वो जवाबदार है। इसी क्रम में यहाँ क्रिकेट मैच खेल रहा है, चेयर गर्ल्स के साथ नाच देख रहा है। इसी क्रम में एक और घटना सामने आई है, वो जो बमोरी में इससे पूर्व भी एक कम उम्र की बच्ची, 8 और 10 वर्ष की बच्ची के साथ में बलात्कार हुआ था, उसके बाद भी उस घटना को ज़्यादा कोई तवज्जो नहीं मिली थी। तो ये जो घटनाक्रम हो रही है बमोरी, चूँकि एक आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, वहाँ भील समाज आदिवासी समाज काफ़ी तादाद में है, क्या आपको ऐसा लगता है कि बमोरी का सही मार्गदर्शन अभी तक हो नहीं पाया है राजनीति दलों के द्वारा? ये भाजपा खुद अपना गड्ढा खोद रही है। ऐसे मंत्री बनाएगी, ऐसे प्रशासनिक अधिकारी बिठाएगी तो उनके नुकसान होना है। जी सर, और हम तो जनता के साथ हमेशा रहें, खड़े रहें। विधानसभा में आपके द्वारा क्या ये मुद्दा उठेगा? अवश्य।